समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी एवं कन्नौज से लोकसभा के सदस्य डिंपल यादव ने 11 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान 2 दर्जन से अधिक स्वागत स्थलों पर बोलते हुए कहा कि एक भी वोट न बटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए और एक भी वोट न छूटने पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी नोटबंदी, बेरोजगारी, नौजवानों की समस्याओं पर मौन है, 2014 के चुनाव में किए गए वादों की चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है जिसमें भाजपा की हार और गठबंधन की जीत तय है। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों पंडारी यादव एवं राजेंद्र सिंह पटेल को जिताने की अपील की। राज्यसभा सांसद एवं सीने तारिका जया बच्चन ने मुट्ठीगंज में आयोजित स्वागत सभा में कहा कि वर्ष 1984 के लोकसभा के चुनाव में अमिताभ बच्चन के पक्ष में जैसा उत्साह और जोश देखा था, उसी तरह का लोगों में जोश और उत्साह देख रही हूँ। जया बच्चन ने कहा कि वह इलाहाबाद की बहू है और डिंपल उनकी बहू है और वह लोगों का सम्मान करते हुए गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर भाजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराई है।